أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنه عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله سبحانه وتعالى کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہم سب ساتھی یہاں پر دین کی نسبت سے، دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. میرے محترم دوستو، بزرگو، اس دنیا میں اللہ پاک کی نعمتیں کتنی ہیں، کتنی زیادہ ہے، اور ہم اس کو دن میں کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، اور ہر ایک نعمت میں پھر کتنی نعمتیں پوشیدہ ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان کی کتاب ہے گلستان سعدی، بوستان سعدی، ہمارے جو پرانے علماء تھے، اکابر تھے، وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کو بڑی محنت سے پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، یاد کرتے تھے. اب بھی ہمارے یہاں مدارس کے نصاب میں اس کا کچھ حصہ شامل ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے ان کو ایک بڑی حکمت، بڑی دانائی اور بڑی للہیت عطا فرمائی تھی. چونکہ ان کی زبان فارسی ہے، مادری زبان فارسی ہے، لہذا ان کی جو حکایات ہیں، جو واقعات ہیں، جو ان کے اشعار ہیں، وہ تقریباً فارسی زبان پر مشتمل ہیں. اور چونکہ پرانے علماء وہ دو زبانوں پر بڑی محنت کرتے تھے،
एक अरबी ज़बान पर और दूसरा फ़ारसी ज़बान पर, उसके बाद जाके तीसरे नंबर पे उर्दू आती थी। इसलिए हमारे मुहद्दिसुल असर हज़रत मौलाना सैयद यूसुफ़ अल-बनौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मरकज़, जिनका इदारा, जो हमारा मादर इल्मी है, आप सब साथी उनसे वाकिफ़ हैं, जामिया बिनौरी टाउन जो हमारे करीब में है, हमारा इल्मी रूहानी मरकज़ है। तो हज़रत बनौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है, हालांकि हज़रत की जो असलन जो ज़बान थी ना, असलन तो वो चूँकि पश्तो थी, उनका जो ख़ानदान था वो अफ़ग़ानिस्तान से हिजरत करके आया, इन सैयद ख़ानदान में से थे, सादात थे, असलन हुसैनी थे, बड़े गैरतमंद इंसान थे, लेकिन फिर बाद में उनके ख़ानदान के बड़े हिजरत करके अफ़ग़ानिस्तान आए, फिर वहाँ से पेशावर आए। इस एतबार से जो ख़ानदानी ज़बान बन जाती है तो वो पश्तो थी, और हम अपने मिजाज को देखते हैं कि जो ख़ानदानी ज़बान होती है वो हमारा हिस्सा बन जाती है, बोलचाल में, बैठने उठने में, रहन सहन में। लेकिन हज़रत बनौरी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर मलफूज है, वो फरमाया करते थे कि मुझे अल्लाह पाक ने ये नेमत दी है कि सबसे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ और रवानी के साथ अगर मैं कोई ज़बान बोल सकता हूँ तो वो अरबी है, अरबी में मुझे कोई दिक्कत, परेशानी, तकल्लुफ़ नहीं होता। फिर फरमाते उसके बाद अगर किसी ज़बान में मुझे रग़बत और बेतकल्लुफ़ी और रवानी है तो वो फ़ारसी है, और उसके बाद फिर अगर कोई ज़बान है तो वो उर्दू है, और उसके बाद फिर अपनी ख़ानदानी ज़बान पश्तो है। खैर, ये बात तो अर्ज़ कर दी कि पहले हमारे उलमा में एक ज़ौक था, एक मिजाज था, चूँकि हमारी जितनी इल्मी किताबें हैं, जो इल्मी सरमाया है, इल्मी ख़ज़ाना है, वो ज़्यादातर इन्हीं दो ज़बानों में मिलता है, या तो अरबी ज़बान में है या फ़ारसी ज़बान में। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी, चूँकि उनकी ज़बान फ़ारसी थी, तो उनकी जो गुलिस्ताने सादी है, बोस्ताने सादी है, वो भी फ़ारसी ज़बान में, हमारे उलमा ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्ताने सादी के शुरू में ये बात लिखी है, जो बड़ी यानी एक इंसान को अल्लाह पाक की तरफ करीब करने वाली बात है। अल्लाह वालों की हर बात में बड़ी इबरत होती है। तो हज़रत फरमाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार कैसे बने। हर सलीमुल फितरत मुसलमान चाहता है कि मेरे अंदर शुक्र का मिजाज आए, अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार बन जाओ। लेकिन वो फरमाते हैं, इंसान तुम अगर चाहो कि अल्लाह के नेमतों के शुक्र का हक अदा कर दो तो तुम कभी भी नहीं कर सकते। और उसकी दलील फिर ये याद देते हैं, फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी को मौकूफ़ किया हुआ है इसकी सांस पर। सांस हम लेते हैं ना, अब हम कहते हैं भाई ज़िंदगी चल रही है सांस पर, लेकिन ये जुमला अधूरा है दोस्तों। सांस अंदर जाए फिर बाहर आए, फिर सांस अंदर जाए फिर बाहर आए, यही तरतीब होगी ना। हम पहले सांस लेते हैं तो एक सांस अंदर चली जाती है, खींचते फिर बाहर लेते हैं, फिर अंदर खींचते फिर बाहर आते। आज का इल्म कहता है भाई ऑक्सीजन इंसान के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन इंसान लेता है अंदर, ये जिस्म की ज़रूरत है, मुफीद है, और फिर अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और उसका निकलना भी ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता ऑक्सीजन का जाना कम हो जाए तो इंसान की सांस रुकने लग जाएगी, और अगर ऑक्सीजन अंदर जाके रुक जाए, बाहर नहीं निकले,
तो भी इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में। तो अब देखिए, सांस, एक सांस में दो नेमतें जमा हो गई। सांस का अंदर जाना एक नेमत है कि आपको ऑक्सीजन मिल रही है, और सांस का बाहर आना अलग नेमत है कि आपके अंदर से वो जो गंदे अज़रात असरात थे वो बाहर जा रहे। एक सांस इंसान जब ले तो दो नेमतें जमा हो गई एक सांस। और दिन भर में एक इंसान कितनी सांस ले रहा है ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इंसान तुमने एक सांस अंदर खींची तो फौरन अल्लाह की नेमत मुतवज्जे हो गई, तुम पे शुक्र लाजिम हुआ ना। अभी तुम उसका शुक्र अदा करने ही लगे थे कि वो दूसरी सांस बाहर आ गई, तो पहले शुक्र का मौका मिला नहीं कि दूसरी नेमत अल्लाह की तरफ से मौसूल हो गई। तो तुम अल्लाह की बाकी नेमतों का शुक्र कब अदा करो। तो अल्लाह की शान रहमत है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि हर वक्त ये बंदा, ये इंसान, ये अल्लाह पाक के नामात को, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इसको एहसास नहीं है। जैसे अभी करीब में, माजी करीब में एक वाकया पेश आया बड़ी इबरत का, बस चीज़ें बड़ी इबरत की होती है। अब देखिए, जो वबा चल रही है, अल्लाह पाक हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। इसमें कहते हैं भाई सबसे बड़ी तकलीफ सांस की होती है। तो एक अरब शेख, अरब मुसलमान को सांस की तकलीफ हो गई, सांस सही नहीं जा रही थी उसकी। उसको हॉस्पिटल दाखिल किया, डॉक्टरों ने चेक किया, ऑक्सीजन लगाई, कहने भी ऑक्सीजन मास्क इसकी सांस को बहाल नहीं कर सकता, इसको वेंटिलेट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। उसको वेंटिलेटर पे लगाया गया और कुछ दिनों तक इसको उस मशीन के ज़रिए से मस्नूई तनफ्फुस दिया गया, यही होता है, और इसके ज़रिए से इसकी असल सांस बहाल करने की कोशिश की गई। हफ्ता 10 दिन के बाद अल्लाह का हुक्म था, उसकी अपनी सांस बहाल होना शुरू हो गई, अपनी जगह पे आया, आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त हो गया। जब तंदुरुस्त हुआ, अस्पताल से फारिग हो रहा है, तो अस्पताल वालों ने बिल तैयार करके इसको भेज दिया कि भाई ये आपका बिल है। अब हम तो यहाँ परेशान होते हैं कि भाई हज़ारों लाखों में बिल, वहाँ तो लाखों रियाल में बिल बनता है। इतने लाख रियाल आपका बिल बना है, उस अरब शेख से कहा ये आप जमा करवा दें अस्पताल में। तो उस शेख ने जब वो बिल देखा तो उसको देखने के बाद ज़ारो कतार रोने लगा, रोया। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपके पास परेशानी है, देने के असबाब नहीं है, तो आप ये फॉर्म फिल कर लें, हमारे पास शोबा है डिस्काउंट का, हम आपके साथ 50% कर देंगे, और वो भी नहीं है तो फिर दूसरा हमारे पास हिस्सा है कि आप बिल्कुल जो है वो अदा नहीं कर सकते तो ज़कात के फंड में ले आएंगे। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं अपने इलाके का बड़ा शेख हूँ और हम मुतमव्वल ख़ानदान में से, ये बिल मेरे लिए कुछ भी नहीं है इसको भरना, और इस बिल की मालियत को देखकर मैं नहीं रोया, मैं रोया इसलिए कि आज मुझे अपने रब की एक बहुत बड़ी नेमत का एहसास आज हुआ। तुम्हारी इस मशीन ने मुझे 7 से 10 दिन तक सांस दी ना, और तुमने उन सांसों के लाखों रियाल बनाए। मैं जब से पैदा हुआ हूँ आज तक अल्लाह ने मेरे जिस्म में कितनी सांसें अंदर और बाहर की। अल्लाह की इस सांस की नेमत को मैं अपनी बचपन से लेकर आज तक इस्तेमाल कर रहा, एक पाई मुझसे अल्लाह ने नहीं मांगी इसकी, मैं मुफ्त में अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अफसोस मुझे अल्लाह की इस नेमत की कदर नहीं आई। आज तुम्हारे इस बनाए हुए बिल को देखा तो अल्लाह की इस नेमत का भी एहसास हो गया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं कि जिनको हमें नेमत समझते हुए भी बहुत देर हो जाती है।
हर वक्त जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह पाक से जुड़ा रहता है, बंदा जब अल्लाह के करीब होता है, इसके अंदर एक मिजाज पैदा हो जाता है, जो असल आज की मजलिस में मुख्तसरन बात अर्ज करना चाहता हूँ। इस बंदे में एक मिजाज पैदा हो जाता है और इस मिजाज को शुक्रगुजारी का मिजाज कहते हैं, इसको दीन का मिजाज कहते हैं और इसको एक मुसलमान का मिजाज कहते हैं। हम अपने इस मिजाज से, इस तरतीब से आज बहुत दूर आ गए दोस्तों। आप दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया के मामलात देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप तकरीब में जाते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं ना। तो आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा कि आज की दुनिया और ख़ास तौर पे मुसलमान दुनिया, ये बहुत ज़्यादा मरऊब हो चुकी है। मरऊब आइन के साथ, यानी ऐसा लगता है जैसे हम किसी के रौब के नीचे हैं। और इस मरऊबियत की वाजह दलील आपको नज़र आएगी कि हर शख्स बेचारा जब कहीं खड़े होकर किसी जगह पर बात करेगा तो कोशिश ये करेगा कि अपनी इस ज़बान में तीन चार अल्फाज ही क्यों ना हो लेकिन इंग्लिश के डाल दूँ, है ना। या कोई हमसे बात कर रहा होगा, कुछ समझा रहा होगा, एक आम चीज़ है, आप दवाई के दुकान पर गए, एक दवाई एक इंसानी ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे आदमी ने भी लेनी है और अनपढ़ ने भी लेनी, हर एक ने लेनी। लेकिन आप गौर करेंगे, वो दवाई वाला आपसे कहेगा इसकी इतनी डोज लेनी है, इसकी इतनी डोज लेनी है, इसकी ये टाइमिंग है और इसके ये है और ये फास्टिंग में है और ये रैंडम में है। ये एक मिसाल है। आप इसमें जितना आगे चलते चले जाएं, आपको ये चीज़ हमारे माहौल और मिजाज का हिस्सा नज़र आएगी। क्या वजह हुई, क्या सबब हुआ कि 1.5 अरब मुसलमान दुनिया, इस्लामी दुनिया, वो इतनी तरक्की याफ्ता दौर में आने के बाद भी, इतना सब कुछ बना लेने के बाद भी, हम क्यों एक मरऊबियत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं? जब बातिल की मेहनत इतनी ज़्यादा हो गई और बातिल ने हम पे अपना इतना असर डाल दिया कि हमें आए ना आए, गलत सलत हो, मुँह टेढ़ा करना पड़े, लेकिन तीन चार अल्फाज कहने हैं, भाई बुरा लगेगा। जबकि बात एक नुक्ते की बात याद रखें, मुहक्किकीन ने ये बात लिखी है कि जो आदमी जिस फन का माहिर होता है, जो आदमी जिस फन का माहिर होता है, वो उस फन की बात उसकी जगह पे करता है, गैर जगह पे नहीं करेगा। अब मैं उर्दूदान आदमी पर, एक आम आदमी पर सिर्फ अपना ज़ाहिरी रौब डालना चाहता हूँ ताकि इसको अंदाज़ा हो जाए कि जी मुझे भी कुछ ABCD आती है। एक मुसलमान को दीनी मिजाज दिया गया, दीनी ज़ौक दिया गया। हमारी ये जो ज़बान है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस ज़बान की नेमत को इस तरह इस्तेमाल करना कि इस पर हर वक्त अल्लाह की शुक्रगुजारी के जुमले हों, हर वक्त शुक्रगुजारी के जुमले हों, ये कीमती इंसान है। हम एक साथी के साथ गए, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए ना, उनको कोई मसला था, उनका एक्सरे हुआ, जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो वो अंदर डॉक्टर के पास गए। आप जानते हैं डॉक्टर पहले साबिका ज़िंदगी की मालूमात लेते हैं कि जी आपको कभी ये तो नहीं हुआ, कभी बुखार तो नहीं हुआ, कभी ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, सारी एक मालूमात लेकर उसकी तफसील लिखते। तो एक अजीब बात, चूँकि वो दीन की नस्बत, इल्म की नस्बत रखते थे, एक बड़ी अजीब बात नज़र आई और महसूस हुआ कि वाकई दीनी मिजाज और दीनी ज़ौक किसको कहते हैं। उस तबीब, उस डॉक्टर ने जितनी मर्तबा उस साथी से पूछा ना, जितनी मर्तबा कोई सवाल किया, आपको कभी इससे पहले गर्दन तोड़ बुखार हुआ है,
उसका जवाब यहाँ से शुरू होता था, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपको शुगर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज रखा है। कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला भी नहीं। हर जवाब के साथ पहले क्या जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान का मिजाज ऐसा हो, ज़ौक ऐसा हो, हमारी ज़बान पर हमारे दीन की इस्तिलाहात क्यों नहीं आती दोस्तों? हम जब बोलते हैं तो हमारा बोलने का अंदाज़ गलत है, हमारे अल्फाज का चुनाव गलत है। अच्छा, घर में बात करेंगे तो बीवी बच्चों से बोलने का अंदाज़ अलग है, बाहर दोस्तों से करेंगे तो अलग है, मस्जिद में करेंगे तो अलग है। ये भी एक मुसीबत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का ख़ुलासा ये था कि आपके जो अख़लाक़े अज़ीमा थे, आपके जो मिजाज अज़ीमा थे, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो बाहर की ज़िंदगी में थे या मस्जिद में थे। आप जब घर तशरीफ़ लाते, अज़वाज मुतहरात फरमाती ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप बग़ैर सलाम किए हुए, बग़ैर मुस्कुराए हुए तशरीफ़ लाए, मुस्कुरा के तशरीफ़ लाते। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप आने के बाद फौरन अपने आराम या अपने अमाल में लग गए हो, बल्कि हमेशा आने के बाद कुछ वक्त हमें देते, हमसे दिन भर की मालूमात बैठ कर लेते, दिल लगी की बातें भी फरमा लिया करते थे। अब चूंकि ये चीज़ें ज़िंदगी से निकल रही है ना, और क्यों निकल रही है, इसलिए कि मिजाज को दीनी मिजाज नहीं बनाया, एक इल्मी मिजाज नहीं बनाया। तो ख़ुलासा और अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस फितनों के दौर में और इस गुनाहों के माहौल में हम में से हर साथी इस बात की आदत डालें, हर वक्त हमारी ज़बान पर कलिमात तशक्कुर हो, अल्लाह के शुक्र के, अल्लाह के बड़ाई के, अल्लाह के अज़मत के, इसके कलिमात हो। अब आपसे कहा जाए जी मास्क ज़रूर पहनना है, पहन लें, एक मजबूरी है, लेकिन मास्क पहने तो उसके साथ साथ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ वहुवस समीउल अलीम, ये दुआ भी पढ़ ली। अब क्या है, यकीन और अकीदा ये है कि ये वो दुआ है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, जो मुसलमान सुबह 3 मरतबा पढ़ ले शाम तक उसको दुनिया की कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती, जो शाम को पढ़ ले उसको अगली सुबह तक दुनिया की कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती। दुआ के साथ यकीन शामिल हो गया, असबाब के दर्जे में अब मास्क भी पहन ले, ये ज़ौक़ और मिजाज बनाया जाए, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अल्लाह पाक मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। अब इंशाल्लाह कुछ देर के लिए ख़त्मात शरीफ़ा पढ़ेंगे, उम्मीद है कि आप साथियों के पास आपके कार्ड होंगे। नहीं है तो साथ साथ पढ़ते रहें। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रहत फ़ंसब इला रब्बिक।
एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौम الدين। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم। सात मरतबा पढ़े। اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا قاضي الحاجات। सात मरतबा पढ़े। اللهم يا كافي المهمات, اللهم يا كافي المهمات। सात मरतबा पढ़े। اللهم يا دافع البليات, اللهم يا دافع البليات। सात मरतबा पढ़े। اللهم يا شافي الأمراض, اللهم يا شافي الأمراض। सात मरतबा पढ़े। اللهم يا رفيع الدرجات, اللهم يا رفيع الدرجات। सात मरतबा पढ़े। اللهم يا مجيب الدعوات, اللهم يا مجيب الدعوات। सात मरतबा पढ़े। اللهم يا أرحم الراحمين, اللهم يا أرحم الراحمين। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। तीन मरतबा पढ़े। حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت। तीन मरतबा पढ़े। या खफी अल्लुत्फ अदरिकनी बिलुत्फिक अल्खफी, या खफी अल्लुत्फ अदरिकनी बिलुत्फिक अल्खफी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد। तीन मरतबा पढ़े। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। तीन मरतबा पढ़े। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت। तीन मरतबा पढ़े। يا لطيفا بخلقه, يا عليما بخلقه, يا خبيرا بخلقه, الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير, يا لطيفا بخلقه, يا عليما بخلقه, يا خبيرا بخلقه, الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد। तीन मरतबा पढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد। तीन मरतबा पढ़े। الله ولي الذين آمنوا, الله ولي الذين آمنوا। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد।
तीन मरतबा पढ़े वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तीन मरतबा पढ़े रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। तीन मरतबा पढ़े या लतीफ़ो या खबीरो या वदूदो या शकूरो, या लतीफ़ो या खबीरो या वदूदो या शकूरो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तीन मरतबा पढ़े वक्फ़ु अन्ना वक्फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, वक्फ़ु अन्ना वक्फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये जितने ख़त्मात मुबारका पढ़ेगा इसका ईसाल सवाब हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कब्र अथर में और आपके वास्ते से पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन ताबईन तबा ताबईन इस उम्मत के मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन फुकहा आइम्मा अरबा सलासिल अरबा सिलसिला नक्शबंदिया क़ादरिया चिश्तिया सुहरवर्दिया के अपने तमाम मशाइख बुज़ुर्गों को अपने वालिदैन असातिज़ा इकराम दोस्त अहबाब रिश्तेदार आइज़ा अक़ारिब जिन जिन के हम पर हुकूक़ और एहसानात है बिलखसूस अपने हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को इन ख़त्मात का ईसाल सवाब करते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम हज़रात को अपनी शान के मुताबिक कामिल दर्जे में इसका सवाब नसीब फरमाए। अब कुछ देर के लिए मुराक़बा करेंगे, तमाम साथी अपने सरों को झुका लें, आंखें बंद कर दें, दिलों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह की बारगाह से अनवारात फ्यूज़ात तजल्लियात वो मेरे दिल में समा रहे हैं, मेरे दिल पर वारिद हो रहे हैं और मेरे दिल में जो गुनाहों का मैल कुचैल जंग ज़ुलुमात कुदूरात वो सब निकल रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना। कभी दिल पे सबर करना, कभी दिल से शुक्र करना, कभी दिल पे सबर करना, कभी दिल से शुक्र करना। मुझे कुछ दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों
मरना तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह दिल पे सबर करना कभी दिल से शुक्र करना मेरा हर खता पे रोना है यही मेरी तलाफी मेरा हर तेरी रहमतों का सदका मेरा जुर्म अफ़ करना तेरी रहमतों का सदका मेरा जुर्म अफ़ करना है इसी कभी दिल पे सबर करना कभी दिल से शुक्र करना कभी दिल पे सबर करना कभी दिल से शुक्र لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين ہمارے صغيرا كبيرا ظاهرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے يا الله پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے بھی رضا والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ جتنا وقت تیرے گھر میں ذکر کی نسبت سے اصلاح کی نسبت سے بیٹھے ہیں یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جتنے ساتھی یا اللہ محبت کے ساتھ طلب کے ساتھ فکر کے ساتھ تشریف لائے ہیں یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لیں اے اللہ ہماری اس مجالس کو اس سلسلہ ذکر کو تا قیامت جاری و ساری فرما دے ساری زندگی یا اللہ ہمارے اس قلب کو ہماری زبان کو اپنے پاکیزہ ذکر سے یا اللہ معطر فرما دے یا اللہ ذکر کے حلقوں سے دعوت کے حلقوں سے علم کے حلقوں سے یا اللہ اصلاح نفس کے حلقوں سے ہمیں جوڑ مناسبت اور محبت نصیب فرما دے یا اللہ ساری زندگی مسجدوں سے جڑ کر رہنے کی اعمال سے جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے اتباع سنت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ ایک ایک پڑھنے والے طالب علم کو ایک ایک ساتھی کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں انتہائی درجہ میں قبول فرما دے یا اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کے بخشش کے فیصلے فرما دے یا اللہ اس کو ہماری اصلاح کا ہماری تبدیلی کا ذریعہ فرما دے مسجد میں چلنے والے تمام سلسلوں میں یا اللہ اپنی رحمت برکت شامل حال فرما دے جتنے مسلمان بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں ہمارے مسجد کے جتنے نمازی بزرگ احباب بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک